हेलो एवरीवन। तो हम आज क्लास CBSE क्लास 10th का फुटप्रिंट विदाउट फीट का 9th चैप्टर जो है भोली, आज हम उसे पढ़ते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, ये जो कहानी है ये एक छोटी सी बच्ची की है जिसका नाम भोली है, और भोली के दूसरे भाई बहन भी हैं, लेकिन जो दूसरे भाई बहन हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे का मतलब शरीर से देखने में बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं, लेकिन भोली कहीं ना कहीं मतलब शुरू से ही दिखने में अच्छी नहीं है, क्योंकि उसे कुछ बीमारी वगैरह हो गई थी। अब उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या इस स्टोरी के अंदर हुआ, वो हम इस स्टोरी के अंदर चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निगलेक्टेड एट होम, मतलब शुरुआत से ही उसके जीवन में यानी बचपन से ही उसे निगलेक्ट किया जाता था। ठीक है, निगलेक्ट का मतलब समझते हैं, दरकिनार किया जाता था, अरे चलो ठीक है हटाओ। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, आखिर उसकी जो टीचर थी उसने उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों लिया, किसमें, भोली में। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन, क्या जो भोली थी वो अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी, वो अब हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, एक्चुअली उसका जो असली नाम था वो किसका, क्या नाम था, सुलेखा नाम था। देखो इस चीज का ध्यान रखना, भोली का असली नाम क्या था, सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन, अब लेकिन सिन उसके चाइल्डहुड बचपन से ही सब लोग उसे भोली भोली करते थे, सिंपलटन कहते थे, मतलब ये तो इसमें कम दिमाग है, सिंपलटन का मतलब जो उसमें कॉमन सेंस कम हो, इसमें तो कम दिमाग है। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो जो राम नंबरदार थे वहाँ के रामलाल, उनके पापा का नाम क्या था, भोली के यानी कि सुलेखा के पापा का नाम क्या था, रामलाल। और उनकी कौन सी बेटी थी, चौथी बेटी थी। देखो जो भी लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि भोली का नाम, भोली एक नाम है, उसका दूसरा नाम था सुलेखा, और उसके पिता का क्या नाम था, रामलाल। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम पढ़ते वक्त, और अपने पिता की कौन सी बेटी है वो चौथे नंबर की। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो लगभग कितने साल की थी, साल की नहीं 10 महीनों की थी, वो ना COT, कॉट का मतलब होता है चारपाई, ठीक है, जो चारपाई होती है जो बेड टाइप का होता है उस पर से गिर गई थी, और किसके बल गिरी थी, अपने सिर के बल गिरी थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता था, ऐसे सोचते थे लोग, क्योंकि ये उस टाइम गिर गई थी तो कहीं ना कहीं जो इसका दिमाग का कुछ हिस्सा है वो डैमेज हो गया था, इसीलिए इसमें कम सेंस है। दैट वॉज वाई शी रिमेंड बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन, और यही कारण था कि वो, वैसे तो उसके घर में और भी बच्चे थे लेकिन उन सभी बच्चों के अंदर वो सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई रही, इसी वजह से सब लोग उसे भोली भोली या सिंपलटन मतलब बुद्ध, एक तरह से कह सकते हो बुद्धू काइंड ऑफ कहते थे। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, ऐसा नहीं था कि शुरू से ही बेकार थी, जब उसका जन्म हुआ वो बहुत सुंदर थी, गोरी थी। बट वैन शी वॉज 2 ईयर्स ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, और जब वो 2 साल की हुई तब उस पर अटैक हुआ, मतलब वो बीमारी हुई उसे, चिकन स्मॉल पॉक्स होता है, चेचक के से दाग बन जाते हैं छोटे छोटे, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, ठीक है, तो इस तरह के दाग हो गए उसके उसमें पूरी बॉडी पे। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल आँख ही ऐसी जगह थी जहाँ उसे चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स ना हुई हो, हर जगह उसे स्मॉल पॉक्स थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, और पूरी की पूरी बॉडी, अगर आपको कभी हुई हो या आपने कभी किसी पर्सन को देखा हो तो पूरी की पूरी बॉडी पे, कुछ लोग हिंदुओं में मतलब मानते हैं कि माता आ गई है, माता आ गई है, पर ये एक्चुअली बीमारी होती है, तो पूरी बॉडी पे उसके मार्क्स बन गए, मतलब धब्बे धब्बे से बन चुके हैं। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, और देखो एक और ख़राब बात क्या हुई, जब तक वो 5 साल की नहीं हो पाई तब तक तो वो बोल ही नहीं पाती थी। अक्सर आजकल के बच्चों को आप देखते हो 3 साल के होते हैं, 3.5 साल इतनी पटर पटर बातें करते हैं, और वो जो बच्ची थी यानी सुलेखा यानी जो भोली थी 5 साल तक बोल ही नहीं पाई। एंड वैन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टेमर्ड, और जब बेचारी लास्ट में वो बोल भी पाई शी स्टेमर्ड। स्टेमर्ड का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे स्टेमर्ड का मतलब है हकलाना, जैसे कुछ लोग बोलते हैं आ आ आ क, 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 ऐसे थोड़ा सा हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, जो दूसरे बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो बहुत कम बात करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, रामलाल के 7 बच्चे थे जिसमें से 3 तो उसके लड़के थे और 4 लड़कियां थीं, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और जो भोली थी वो सबसे छोटी थी। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट
एंड ड्रिंक। और वो जो रामलाल थे यानी जो उनके पिता थे वो मतलब काफ़ी बढ़िया फार्मर थे, बढ़िया से यहाँ मतलब है कि पैसे पैसे की घर में धन सुख और धन धान्य की यानी पैसे से कोई कमी नहीं थी और घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग। अगर भोली को छोड़ दिया जाए तो उनके सारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे और स्ट्रांग थे, ठीक है, मजबूत। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन द स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। और जो जितने भी लड़के थे उन्हें सिटी के बाहर बढ़िया स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा गया और बाद में उन्हें कॉलेज वगैरह से भी उनकी पढ़ाई मतलब अच्छी करवाई गई बाहर से। द सन्स हैड ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। और जो बेटियों में अगर सबसे बड़ी बेटी की बात करी जाए जिसका नाम राधा था उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। और जो दूसरी जो बेटी थी मंगला उसका रिश्ता मतलब पक्का कर दिया था। एंड वैन दैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। और जब दूसरी होता है ना भाई जिन घरों में तीन बेटियां हैं तो कहीं ना कहीं पिता को ऐसा होता है अगर पहली का हो गया तो दूसरी की चिंता खाने लगती है, दूसरी को हो जाता है तो तीसरे की खाने लगती है। तो दूसरी का रिश्ता पक्का हो गया और तीसरी जो थी चंपा उसका अब उन्हें वो उसके बारे में सोचते रहते थे। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। वो सुंदर लड़कियाँ थीं, स्वस्थ भी थीं, तो उनके लिए ब्राइड ग्रूम्स का मतलब होता है दूल्हा ढूंढने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, शी हैड नीदर गुड लुक्स नोर इंटेलिजेंस। पर रामलाल को अपनी चौथी बेटी जो भोली जिसके बारे में स्टोरी है उसकी बड़ी चिंता खाई रहती थी कि यार जो मेरी दूसरी लड़कियां वो तो सुंदर भी हैं, स्ट्रांग भी हैं, हेल्दी भी हैं, लेकिन ये वाली लड़की ना तो सुंदर ही ज़्यादा है और ना पढ़ने में ही कुछ है, तो यार इसका क्या होगा, उसकी चिंता खाती रहती थी। यहाँ पर देखो आप ये डायग्राम भी देख रहे हो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कुछ घर पर कुछ बातचीत चल रही है, रामलाल उसकी वाइफ उसके बच्चे और ये बगल में। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली केवल 7 साल की थी जब उसकी सबसे बड़ी बहन मंगला की सॉरी जब मंगला सबसे बड़ी तो राधा थी, उसके बाद जब मंगला की शादी हुई वो 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। और उनका जो छोटा सा गाँव था उसी स्कूल में उसी साल पहली बार एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। प्राइमरी स्कूल आप समझते हैं प्राइमरी, एक छोटा सा जो गांव में स्कूल होता है। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। देखो जब किसी गांव में किसी शहर में कोई बड़ा कोई हॉस्पिटल खुल रहा है कोई हो रहा है तो किसी बड़े से इंसान को बुलाया जाता है। बड़े से पर्सन का मतलब है किसी जिसके पास बड़ी ताकत हो, बड़ा डेजिग्नेशन हो, जैसे SP साहब आएंगे वो आएंगे रिबन काटने, तो तहसीलदार साहब आए उसकी ओपनिंग सेरेमनी पे। ही सेड टू रामलाल एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेज। अब जो तहसीलदार साहब आए उन्होंने रामलाल, रामलाल कौन है, भोली के पापा, उन्होंने उनसे क्या कहा कि जब तुम रिवेन्यू ऑफिशियल हो, जब तुम क्या हो रिवेन्यू ऑफिशियल हो जो रिवेन्यू वगैरह लेते हैं उसके रिप्रेजेंटेड हो गवर्नमेंट के, तो और तुम्हारे स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल खुल रहा है। तो देखो यहाँ पे मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव वाले अपनी बेटियों को कभी पढ़ाते नहीं थे, केवल लड़कों को पढ़ाते थे। तो वो कह रहे हैं जो बाहर से जो ओपनिंग सेरेमनी में आया वो रामलाल को कह रहा है कि देखो ये तो तब लोग भेजेंगे जब तुम अपनी बेटी को भेजोगे और तुम रिवेन्यू ऑफिशियल हो, तुम्हें तो भेजना ही चाहिए। तभी तो भाई तो कोई हम किसी दूसरे से कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, खुद नहीं कर रहे तो थोड़ी करेगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड आर यू क्रेजी इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। जब उस रात क्या हुआ भाई हस्बैंड ने अपनी वाइफ के सामने बात रखी ये वाली कि द नाइट व्हेन रामलाल वो रोने लग गई, कौन, रामलाल की वाइफ। अरे पागल हो क्या, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। देखो यहाँ पे दंगल मूवी एक आई थी, दंगल मूवी के अंदर भी ये दिखाया है कि लड़कों को तो पढ़ाया जाता है, लड़कियों को से बस घर का चूल्हा चौका और ये सब। तो जैसे ही वो बताती है, जैसे ही वो हस्बैंड उसे बताता है कि भैया हम अपनी लड़की को स्कूल भेजना चाहिए हमें, तो कहती है अरे अगर स्कूल भेज दिया तो जो चूल्हा चौका है वो कौन करेगा, हमारी लड़कियों से काम कौन करे, मतलब शादी कौन करेगा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, फिर बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल के अंदर भाई इतना भी साहस नहीं था कि जो तहसीलदार की बात काट दे, भाई उन्होंने कुछ कहा है तो। एट लास्ट हिज वाइफ सेड आई विल टेल यू व्हाट टू डू। उसकी वाइफ कहती है देखो मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है, सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज देयर अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस लेस द टीचर्स एट द स्कूल वरी अबाउट हर। फिर वो बात कहती है जो वाइफ है उसकी, देखो जी एक काम करते हैं
ऐसा करो, अगर वो तहसीलदार कह भी रहे हैं तो ऐसा करो, आपका काम भी हो जाएगा। वो ये कि हम भोली को भेज देते हैं स्कूल, एक तो वो क्या नाम है सुंदर नहीं है, ना ही किसी चीज़ में अच्छी है, तो कम से कम पढ़ लेगी, कुछ बन जाएगी, ठीक है। जो दूसरी लड़कियां वो तो इतनी सुंदर हैं, वो उनकी तो शादी हो ही जाएगी, इसी बहाने ये स्कूल भी जाएगी, हो सकता है वहीं कुछ हो जाए, इसके जो टीचर्स हैं हो सकता है इस पर कुछ ध्यान दें, तो इससे बेचारी से कौन शादी करेगा, इसे ही भेज देते हैं स्कूल। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट इट, जो स्कूल के टीचर हैं वो ध्यान देंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाई दी हैंड एंड सेड कम विद मी आई टेक यू टू स्कूल। अगले दिन रामलाल ने भोली को उनके हाथ पकड़ा और कहा चलो मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई, शी डिड नॉट। यहाँ देखो वो स्कूल ले जा रहे हैं, यहाँ पर रामलाल हैं, वो अपनी बेटी यानी कि जो भोली है, देखो भोली के चेहरे पर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो पॉक्स के वो जो निशान है ना वो दिखाई भी दे रहे हैं। नो वॉट द स्कूल वॉज लाइक, अब भाई भोली का भाई जब हमने कोई काम कभी जीवन में किया ही नहीं तो हमें क्या पता वो कैसा होगा, तो भोली जानती नहीं थी स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सब, उसे याद आया कि थोड़े दिनों पहले पापा जो आज मुझे ले जा रहे हैं ऐसे ही थोड़े दिनों पहले गाय को ले गए थे, हमारी जो गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे घर से बाहर ले गए और उसे बेचे आए। अब उसके मन में डर बैठ गया, यार ये तो मुझे बेचने ले जा रहे हैं। अब देखो नो 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 नो, अब ये क्या है, नो नो नो, वो स्टैमर स्टैमर कर रही है, मतलब हकला रही है। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, वो चिल्लाई और अपना उसने हाथ छुड़ा लिया पापा की ग्रिप से, मैं नहीं जाऊंगी। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, यू शाउटेड राउंड, अरे मूर्ख लड़की क्या क्या दिक्कत है तुम्हें, क्यों नहीं चलोगी तुम स्कूल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, अरे बाबा मैं केवल स्कूल ले जा रहा हूँ यार तुझे। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और उसने अपनी वाइफ से कहा लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टूडे, चलो इसे कुछ बढ़िया से कपड़े पहना दो आज, और एल्स वॉट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस वेन दे सी हर, अगर आज भी ये ऐसे खराब कपड़ों में रहेगी, नहीं तो होता है ना कि अब माँ बाप को अपनी इज्जत प्यारी लग रही है कि अगर वो देख लेंगे ये किस तरह कपड़े पहनती है तो वो सब क्या कहेंगे कि हम इसका ध्यान नहीं रखते क्या, और स्कूल की लड़कियाँ क्या सोचेंगी। फिर क्या होता है, न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, अब देखो भोली की किस्मत कितनी ख़राब थी बेचारी की, उसके लिए बेचारी के लिए कभी इन्होंने नए कपड़े नहीं बनवाए माँ बाप ने। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, वैसे ऐसा होता भी अक्सर फैमिलीज में, जो पुराने जो कपड़े थे उसकी बहनों के वही उसे दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लोथ्स, और कोई भी बेचारी के उसके बाल वगैरह नहीं धोता था, कोई कोई केयर ही नहीं करता था। बट टूडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, पर आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसके साथ अच्छा हुआ कि आज उसे जो ड्रेस मिली एक अच्छी खासी साफ सुथरी ड्रेस थी, हालांकि वो ड्रेस भी उसकी बहन चंपा की थी जो कि कई बार धुलने के बाद छोटी हो गई थी, श्रिंक का मतलब होता है छोटा हो जाना। शी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, और उसे नहलाया गया, और जिस बच्ची की कभी ऑयलिंग नहीं होती थी ऑयलिंग की गई, रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, जो उसके गंदे से बाल हो गए थे उसमें ऑयल वगैरह लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर, और तब जाके उसे विश्वास हुआ कि नहीं यार बेचने नहीं ले जा रहे मुझे, किसी बढ़िया जगह ले जा रहे हैं, तभी मुझे नए कपड़े बढ़िया वो नहलाया धुलाया जा रहा है, सब काम का ध्यान रखा जा रहा है। वेन द रीच द स्कूल द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, जब वो वहाँ पे स्कूल में पहुँचते हैं तो बच्चे ऑलरेडी क्लास में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, और रामलाल ने अपनी बेटी को किसे दे दिया, हेड मिस्ट्रेस कौन होता है, जो स्कूल की जो वैसे स्कूल में तो मैडम तो कई सारी होती हैं लेकिन जो वहाँ की मेन मैडम है कह लो प्रिंसिपल कुछ इस तरह की जो हेड है वहाँ की। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, अब बेचारी जब अकेली रह गई पापा छोड़ के चले गए, अब पहला पहला दिन है उसे बेचारी को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, आंखों में उसकी डर है। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, वहाँ पे कई सारे कमरे थे और हर रूम के अंदर उसकी जैसी छोटी छोटी बच्चियाँ मैट्स के ऊपर चटाइयों के ऊपर बैठी हुई थी, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट, या तो वो और वो जो लड़कियाँ थी जो वहाँ बैठी हुई थी वो बुक से या तो कुछ पढ़ रही थी या फिर स्लेट से कुछ स्लेट पर कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आज भोली टू सिट डाउन इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लास रूम्स, और जो हेड मिस्ट्रेस थी वहाँ की स्कूल की उन्होंने उनमें वहाँ जो क्लास रूम थे उनमें से एक रूम में कहा कि आप बेटे यहाँ बैठ जाओ इस कॉर्नर में। भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड वॉट हैपेंड देयर, भोली को भाई भोली तो कभी आज तक आई नहीं थी तो भोली को पता ही नहीं था स्कूल होता क्या है यहाँ पर काम क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, पर उसे इस चीज़ की खुशी थी कि वहाँ पर उसी के एज की कई सारी लड़कियाँ बैठी हुई थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसे ये लग रहा था कि चलो
घर पे तो कोई मेरा इतना ध्यान रखता नहीं, मेरे साथ खेलता नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई तो मेरी फ्रेंड बनी जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड, कुड अंडरस्टैंड नथिंग। अब जो लेडी टीचर है वो बच्चों से बात कर रही थी, वहाँ पे कुछ कह रही होगी, कुछ पढ़ा रही होगी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही हैं। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि उसका पहला दिन है। अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा राइट ए, ए लिखो, अब बेट उसे क्या पता ए क्या होता है, अ से अनार क्या होता है। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। वो क्लासरूम में आपने अक्सर देखा होगा चार्ट्स लगे रहते हैं वॉल्स पे, कुछ पिक्चर्स लगी रहती हैं, तो वहाँ भी लगी थी कुछ तस्वीरें। द कलर्स फैसिनेटेड हर। अब जो देखो बच्ची तो वो अनपढ़ है, उसने अभी कुछ पढ़ना लिखना तो आता नहीं, लेकिन उसे जो कलर जो रंग है वो उसे आकर्षित कर रहे हैं। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। अब वो देखती है जो घोड़ा है जो कि तस्वीर पे बना हुआ है वो ब्राउन कलर का है, जिस तरह के घोड़े पे तहसीलदार साहब बैठ के आते थे उनके गांव में। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ हर नेबर। और वो देखती है वहाँ पे एक काली बकरी भी बनी हुई है उन चार्ट्स पे, उन पिक्चर्स पे, और जैसे कि उनके पड़ोसियों के पास है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और तोते भी, तोता जो वहाँ पे बना हुआ था वो भी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन था, जैसा कि उसने मैंगो के जो वो हैं क्या नाम है, जंगल हैं या पेड़ लगे हुए रहते हैं जहाँ पे कहीं सारे मैंगो और चार्ट में देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जो वहाँ पे काउ की पिक्चर लगी हुई थी वो बिल्कुल उनके उनकी खुद की काउ लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर। तभी वो नोटिस करती है कि जो जो टीचर है वो उसकी साइड में खड़ी है और उस पर थोड़ा स्माइल कर रही है उसे देख के। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्चे क्या नाम है तुम्हारा, टीचर पूछती। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन डे। अब क्योंकि वो हकली है बेचारी, हकलाती है, तो वो भोली बोलना चाहती है लेकिन वो बोल नहीं पा रही, और बोलिए भो भो भो। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन हेल्पलेस फ्लड। और फिर बेचारी वो रोने लगती है और उसकी आँखों से गंगा यमुना सरस्वती सब कुछ मतलब बहने लगती हैं, बेचारी रोने लगती है। शी कैप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट। और अब जब वो बेचारी हकलाने लगती है तो जैसी वो कुछ बोलती है वो नीचे मुंह करके बैठ जाती है और रोने लगती है। क्यों रोने लगती है? क्योंकि वो देखती है कि जो लड़कियाँ वहाँ पे जो आसपास यानी कि जो उस क्लास में बैठी हुई थी वो उस पर हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रिंग ऑल द गर्ल्स स्क्रीड आउट ऑफ द क्लास रूम बट भोली डेयर्ड नॉट टू लीव हर कॉर्नर। जब जैसे ही स्कूल की घंटी बजी तो बच्चे स्क्रीड का मतलब होता है जल्दी से निकलना, सारी लड़कियां क्लास रूम से जल्दी से निकली लेकिन भोली की हिम्मत ही नहीं हुई उस कॉर्नर से वहाँ से हिलने की। हर हेड स्टिल लोअर्ड शी कैप्ट ऑन सोबिंग। और अभी भी उसका जो सर था वो नीचे की तरफ था और अभी भी वो सोबिंग होता है जैसे मतलब धीरे धीरे रोते रहना बिल्कुल बिना आवाज़ किए। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूदिंग। अब एक भोली मतलब टीचर ने आवाज़ दी भोली, तो इतनी प्यारी आवाज़ टीचर की उसे लगी और इतने प्यार से उसे आज तक कभी किसी ने बात नहीं किया था। इन हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। और उसके अपने जीवन में सब लोग ऐसे कहते थे भोली भोली इधर आ जा, भोली ये कर ले भोली, और आज उसी बच्ची को किसी ने प्यार से कहा भोली, समझ रहे हो ना मेरी बात, भोली ओ भोली, समझ रही हो भोली, तो प्यार से उसकी टीचर ने कहा भोली, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। भाई किसे नहीं अच्छा लगता अगर कोई हमें प्यार से बोले। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। खड़े हो जाओ, तो टीचर कहती है, हालांकि और उसने जो गेट अप वाली टोन कही ऐसे नहीं कही खड़े हो जाओ गेट अप, उसने कहा गेट अप बेटे खड़े हो जाओ, बस फ्रेंडली टोन में बोला उन्होंने। भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, बेटे अब अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। Would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. अब जैसे वो उसकी टीचर दोबारा पूछती है बेटे अपना नाम बताओ, तो पूरी उसकी बॉडी पे पसीना आ जाता है। क्यों? वो ये सोचती है कि फिर से मैं बोलूँगी, मैं अपना पूरा नाम बता नहीं पाऊँगी और फिर से मेरा मजाक उड़ेगा। लेकिन फिर उसे एक और बात याद आती है कि ये जो औरत है यानी वो जो टीचर है वो बहुत काइंड वुमन है और वो मुझ पर हंसेगी नहीं, तो फिर से वो ट्राई करती है और उसे लगता है कि ये मुझ पर हंसेगी नहीं। फिर से वो भो 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 शी बिगेन टू स्टैमर और फिर से वो हकलाना शुरू कर देती है। वेल डन द टीचर एनकरेज हर, कम ऑन नाउ फुल नेम। अब देखो यहाँ पे जो टीचर है कितना अच्छा काम कर रही है, जो उसका बच्चा है यानी यहाँ पे जो भोली है उसे इनकरेज कर रही है। अगर कोई भी टीचर इस एक्सप्लेनेशन को इस टाइम
सुन रहा है या जो भी बच्चे सुन रहे हैं, पिटे, अगर आप कभी जीवन में किसी अपने से छोटे को कभी पढ़ाओ या कोई अच्छा नहीं कर रहा तो हमेशा उसे एनकरेज करो, बेटे आप लोग ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। अगर आप किसी से कहो, एनकरेज करोगे तो वो ज़रूर वो कर सकता है। तो वही काम यहाँ पर ये टीचर कर रही है। भोली, एट लास्ट वेल डन वेल डन, द टीचर एनकरेजर, कम नाउ नाउ फुल नेम, अब अपना पूरा नाम बोलो। भो 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 भोली, आखिरकार वो ऐसे हकलाते हकलाते अपना पूरा नाम बोली देती है कि मेरा नाम भोली है। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट, और बिल्कुल उसे मतलब उसके मन में बड़े अच्छा सा उसे लगता है कि क्या मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, उसे ग्रेट अचीवमेंट लगता है। किसको? भोली को, कि आखिरकार मैंने अपना पूरा नाम बताई दिया। वेल डन द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली, अब देखो पेटेड का मतलब होता है पीछे शाबाशी देते हैं ना, हल्का सा ऐसे करते हैं, वेरी गुड शाबाश, एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स। अब टीचर उसे एक बात कहती है, कितनी अच्छी बात कहती है टीचर, टीचर कहती है बेटे अपने दिमाग से अपने दिल से पूरा ये जो तुम्हारा जो डर है ना बोलने वाला है सारा निकाल दो और तुम भी ऐसे ही बोलोगी जैसे हर कोई बोलता है। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, और भोली ने ऊपर इस तरह से निगाह करके देखी, क्या मैडम ये सच है, मतलब कहा नहीं लेकिन उसने कहा रियली, क्या ऐसा हो पाएगा मैं भी दूसरों की तरह बोल पाऊंगी। येस येस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। अब मैडम उसकी कहती हैं हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये तो बहुत आसान है, तुम बस रोज स्कूल आओ, तुम आओगी ना। भोली नोडेड, अब देखो नोडेड का मतलब होता है जब हम किसी कोई हाँ या ना ना करें लेकिन केवल सिर हिला देते हैं, है ना, तो नोडेड कर दिया। नो से इट अलाउड, मैम ने कहा सिर मत हिलाओ, तेजी खुद बोलो, यस यस। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू, अब जैसे ही वो यस बोलती है यानी हाँ बोलती है तो भोली को खुद को मतलब आश्चर्य होता है, अरे मैं तो बोल सकती हूँ। Didn't I tell you? Now take this book. देखो मैंने कहा नहीं था क्या तुम बोल पाओगी, अब टीचर कह रही है देखो मैंने तो पहले ही कहा था बेटे आप बोल पाओगे। Now take this book. इस बुक को लो। The book was full of nice pictures and the pictures were in color. जो पूरी जो बुक थी वो उसमें काफ़ी सारी तस्वीरें थी और उसमें काफ़ी सारे कलर थे, डॉग कैट गोट हॉर्स पैरट टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। उसमें एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी, एक बकरी थी, एक घोड़ा भी था, पैरट तोता भी था, टाइगर यानी चीता भी था, और एक गाय भी थी जो कि उसकी उनकी खुद की गाय जो थी लक्ष्मी उनकी तरह थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन द बिग ब्लैक लेटर्स, जैसा होता होगा आपने छोटे बच्चों की कॉपी में देखा होगा ए फॉर एप्पल, तो एप्पल बना रहता है और ए लिखा रहेगा, तो वही ऐसी लेटर लिखे हुए थे। इन वन मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक एंड देन द स्टिल बिगर वन। अब जो उसकी मैडम है वो कहती है बेटे एक ही महीने में तुम ये वाली बुक पढ़ पाओगी, फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी और उसके बाद दूसरी उससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज। और उसकी जो टीचर है देखो कितना अच्छा काम कर रही है, उसमें कॉन्फिडेंस भर रही है कि बेटे एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा टाइम आएगा तुम इस पूरे विलेज के अंदर सबसे ज़्यादा ज्ञानी बन जाओगी, यानी लर्न का मतलब है सबसे ज़्यादा नॉलेज तुम्हारे पास होगी, सबसे ज़्यादा सीख तुम्हारे पास होगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और टीचर क्या कहती है उस दिन तुम पे कोई हंसेगा नहीं, पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइट टेस्ट स्टेमर, और लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारा रेस्पेक्ट भी करेंगे और तुम सारी चीज़ें बोल पाओगे बिना स्टैमरिंग के यानी बिना हकलाए हुए। अंडरस्टैंड, समझ में आया बेटा? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी स्कूल आना। भोली फेल्ट इज एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इन टू द बिग रेड फ्लावर्स। अब कोई ऐसा बच्चा, या आप अपने आप को ही रख लो, किसी अब जिस बच्चे को कभी प्यार ना मिला हो, किसी ने कभी अच्छे से कोई उससे बात ना करता हो, घर पे भी उसे सब परेशानी करते हो। देखो जैसा कि चैप्टर में बताया भी गया था कि कपड़े भी अपनी बहनों के पहनती थी, बालों में उसकी ऑयलिंग नहीं होती थी, कोई ध्यान नहीं रखता था, अब कोई उससे इतनी अच्छी तरह बात करे, इतना उसमें कॉन्फिडेंस भरे तो किसे नहीं अच्छा लगेगा। तो भोली को बस ऐसा लगा कि भाई आज तो सार इस मंदिर की जो घंटियां हैं वो सब बजने लगीं, और उसे कहीं ना कहीं अब अपना जीवन ब्लॉसम मतलब खुशियों से भरा हुआ उसे अब लगने लगा, रेड फ्लावर्स खिल गए हैं, मतलब इमेजिनेशन हो रही है कि अब कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, और उसका जो दिल है अब वो समझ गया कि इसमें कोई नई आशा यानी नई किरण सुख की, ज्ञान की और आशा की, मतलब एक नया जीवन अब उसका शुरू होने वाला है। Thus the years passed, और इसी तरह से साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, अब जो वो छोटा सा गांव था वो एक छोटा सा टाउन बन गया, अच्छा पहले से उसमें डेवलपमेंट हो गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और वो जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, अब वहाँ पर एक छोटा सा सिनेमा भी बन गया
और जो रुई निकालने वाली जो कारखाना होता है वो लग गया। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो मेल देने वाली जो ट्रेन थी वो भी उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट भिसंबर्स प्रपोजल। अब एक रात खाने के बाद, रात का खाना डिनर करने के बाद रामलाल अपनी वाइफ से कहता है, अच्छा वो बताओ वो जो भिसंबर का जो प्रपोजल आया है वो एक्सेप्ट कर लूँ क्या? अब यहाँ पे ये पता चलेगा अभी आपको थोड़ी देर बाद कि ये भिसंबर है कौन। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। अब उसकी वाइफ कहती है, हाँ हाँ जी बिल्कुल कर लो जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है, भोली के लिए, भोली के तो भाग खुल जाएंगे जी, इससे बढ़िया भोली को लड़का मिल रहा है क्या? अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ इट्स टाउन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक। अजी उसके पास तो जी बड़ी बड़ी दुकान है जी, इतना बढ़िया घर है, और मैंने तो जी यहाँ तक सुना उसकी बैंक में खूब कई हज़ार पैसे पड़े हैं, रुपए पड़े हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और जी इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि वो कोई हमसे दहेज भी नहीं मांग रहा। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट यंग, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स। अब जो भोली के पापा हैं रामलाल, वो कहते हैं, यार वो तो चलो सब सही है, लेकिन तुम्हें पता ही है वो यंग तो है नहीं, और लगभग उसकी एज मेरे बराबर की है। ये देखिए, देखो कितनी ख़राब बात है कि एक पिता एक अपनी बच्ची की शादी करने के सोच रहा है अपने ही बराबर के आदमी से। एंड ही ऑल्सो लिम्स, LIMP, इसका मतलब होता है लंगड़ाना। एक तो वो बहुत बड़ा भी है एज में और थोड़ा सा वो लंगड़ा था। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हर फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। अब वो कहता है कि अपनी वाइफ को कह रहा है कि उसके जो बच्चे हैं ना, जो उसकी पहली बीवी से हैं, मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम, वो बहुत बड़े हो गए हैं, क्वाइट ग्रोन अप। सो वॉट डज इट मैटर। अब वो जो मम्मी है उसकी बोली, अरे तो क्या हुआ जी, ठीक है इससे इसका क्या होना है? हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ वूमन। अरे ये आदमी के लिए क्या एज है, कुछ नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। अब वो वाइफ है वो अपने पति से कहा, अजी ये तो बढ़िया बात है, उसे ये भी नहीं पता कि इसके चेहरे पे दाग हैं, ब्याह दो इसे, घूंघट के अंदर क्या पता लग रही है किसी को, हैं दे दो, और दूसरे गांव का भी है किसी को पता भी नहीं है, और उसे ये भी नहीं पता कि ये तो बुद्धू है एक नंबर की, लैक ऑफ सेंस है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ। अब वो उसकी वाइफ समझाती है, अगर भाई अगर हमने ये वाला प्रपोजल छोड़ दिया, ये वाली रिश्ता रहन दिया, तो फिर तो इसकी शादी ना होनी जी, करवा दो जी। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से। अब जो हस्बैंड है वो कहता है, यानी जो उसके पापा कहते हैं भोली, यार पर मुझे ये लग रहा है भोली क्या सोचेगी, क्या कहेगी, वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ जस्ट लाइक ए डम। अरे वो क्या, वो बुद्धू क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गूंगी गाय है, बांध दो जी किसी भी खूंटे पर, कोई दिक्कत नहीं है। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल। अब रामलाल कहते हैं, हाँ जी हो सकता है तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन। अब वहीं पे बगल में वो सो रही थी चारपाई पे, कॉर्नर ऑफ द कर्ट यार्ड के, और वो अपनी मम्मी पापा की में ये जो बातचीत हुई वो सुन लेती है। भिसंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। अब जो भिसंबर नाथ था जिससे उसके रिश्ते की बात चल रही थी भोली के, वो एक पंसारी था, अच्छा खासा, मतलब अच्छा पैसे वैसे की उस पर भी कोई कमी नहीं थी। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग। और अपनी पार्टी में जब वो मतलब जिस दिन जो शादी वाला दिन था, अपने दोस्तों को रिलेटिव्स वगैरह को लेके बड़ी पार्टी के साथ आया। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। और उसके पीछे मतलब वो पूरा बैंड बजा, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। तो वो अपना पूरा बैंड बाजा वगैरह लेके वो चल रहा है, विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और बिल्कुल सजे धजे घोड़े पे आ रहा है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच ए पॉम्प एंड स्प्लेंडर। और कहीं ना कहीं देखो लड़की का पिता खुश होता है कि जब वो देखता है कि अरे इन पर तो इतना धन है, मेरी लड़की खुश रहेगी, तो वो जो पॉम्प एंड शो देख के वो खुश हो जाता है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। और उसने कभी ये सोचा ही नहीं था सपने में कि जो मेरी जो ये जो चौथी बेटी है जो कि इतनी बुरी सी लगने वाली है, उसकी कभी शादी इतनी अच्छी हो जाएगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। और भोली की जो बड़ी बहनें थी जो उस शादी में शिरकत करने आई थी, वो कहीं ना कहीं उससे जलती हैं। क्यों जलती हैं? अरे इस पगली की इतनी बढ़िया शादी हो रही है, इतने मतलब क्या नाम है, पैसे वाले घर में जाएगी ये। वेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड। और जब वो मुहूर्त आया तब जो प्रीस थे मतलब जो पंडित जी थे जो शादी कराते हैं, ओम दक्षिणाम समर्पयामी, है ना, जो इस तरह का मंत्र बहुत बोलते हैं, मुझे भी ये याद हो गया, दक्षिणाम समर्पयामी, दक्षिणा डालो जी।
ब्रिंग द ब्राइड, ब्राइड को ले आओ जी, दुल्हन को। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेट फायर। और भोली को बिल्कुल वो जो लाल सा, वो जो खतरे का जो साइन होता है ना, जिसमें दुल्हन आती है एकदम लाल जूड़े में और उसमें वो क्या कहते हैं, अरे साड़ी हो गई और ये जो पहनते हैं गाउन वगैरह जो भी होता है उसमें, वो आई और ब्राइड के पास आके यानी दूल्हे के पास आके खड़ी हो गई। सेक्रेट फायर का मतलब वो जो पवित्र आग जलती रहती है जिसमें फेरे होते हैं, जिसके चलो गार्लैंड द ब्राइड। अब पंडित जी कहते हैं भैया चलो वो माला डाल दो। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, नहीं पंडित जी नहीं, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड द भीष्मभरनाथ, भीष्मभरनाथ को दूल्हे के दोस्त छोड़ते हैं, अरे डाल दे माला, डाल दे बेटे। तो वो माला डालने के लिए द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। अब जो ब्राइडग्रूम है, जो वो मैरीगोल्ड जो गेंदा के जो फूल होते हैं उनकी माला वो मतलब वो डालने लगता है। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल इल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। और जो एक जो क्योंकि वो माला डालने वाला था तो थोड़ा सा जो औरत एक स्लिप बैक, थोड़ा सा उसने घूंघट हटाया, किसका, ब्राइड का यानी दुल्हन का। भीष्मभर टुक अ क्विक ग्लांस, द गार्लैंड रिमेंड पोइज इन हिज हैंड। और भीष्मभर ने अभी माला डाली नहीं थी, उसने देखा है और भाई ये क्या, मैं सोच रहा कोई सुंदर लड़की होगी। द गार्लैंड जो रिमेंड बिल्कुल हाथ उसके रुक गए। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। और ब्राइड ने दोबारा से अपना वो जो घूंघट था वो डाल लिया। हैव यू सीन हर, सेड भीष्मभर टू द फ्रेंड नेक्स्ट। और तूने देखी भैया, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर, और इसके तो चेहरे पर दाग ही दाग है। सो वॉट, यू आर नॉट यंग इधर। अब उसका दोस्त कहता है, अब बता तू कौन सा जवान है बे, तू भी तो बुढ़ा है। मे बी बट आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। हाँ तो क्या हुआ, मैं बुढ़ा सी तो क्या हुआ, अगर मैं भैया इससे शादी करूँगा अब तो मैं 5,000 रुपये लूँगा। कौन कह रहा है, ये भीष्मभर। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्मन हिज ऑनर एट भीष्मभर्स फीट, डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो टेक 2,000 रुपीज। अब रामलाल को लगता भैया ये तो मामला ख़राब हो गया, वो जाके पगड़ी रख देता उसके पैरों में, क्योंकि भाई साहब ऐसे मत करो प्लीज़, आप 5,000 मत लो, 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। भैया 5,000 रुपये दे दो, नहीं तो हम तो जा रहे हैं, नहीं तो ये रख लो जी अपनी कन्या को अपने घर। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़ इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो। भाई साहब थोड़ी सी हम पर रहम दिखाओ। वो जो लड़की का फादर है वो कहता है अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं तो गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। देन आउट विद 5,000, तो फिर 5,000 रुपये निकाल लो लाला जी। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस रामलाल वेंट इन ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फेस। बेचारा दुख से बिल्कुल बुरा भरा हुआ, आंखों में आंसू लेता हुआ, वो कैसे जाता है, सेफ खोलता है, नोट निकालता है और उसे उसके पैरों में लाके रख देता है। ऑन भीष्मभर्स ग्रीडी फेस, जो भीष्मभर था जो एक नंबर का लालची पर्सन था, ऑन ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। और कहीं ना कहीं 5,000 रुपये देख के उसके जीत वाली उसके चेहरे पर खुशी आ जाती। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने एक जुआ चला था, क्योंकि शादी तो उसने करनी थी, क्योंकि उस बुड्ढे की कौन सी शादी हो रही है भैया, लंगड़ा और है। गिव मी द गार्लैंड, लाओ मुझे माला लाओ, अब पहनाएंगे हम, ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस। और दोबारा से जो लड़की यानी दुल्हन जो भोली थी उसके उसका घूंघट हटाया गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे की तरफ नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रस्पेक्टिव हस्बैंड एंड हर इन हर आइज देयर वॉज अ नीदर एंगर नोर हेट ओनली द कंटेम्प्ट। अब वो सीधी अपनी उस जो उसका हस्बैंड बनने वाला था उसकी आंखों में देख रही थी, और ना तो उसकी आंखों में गुस्सा था ना ही कोई हेट थी, पर एक तरह की कंटेम्प्ट थी। मतलब एक तरह का बस उसका कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पड़ गया उस आदमी का कि यार ये एक नंबर का घृणित आदमी है, बेकार, एक नंबर का कमीना इंसान है। भीष्मभर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। जैसे भीष्मभर ने अपना हाथ उठाया उसे माला डालने के लिए, तुरंत वो उसने अपने हाथ हाथ आगे कर दिए, किसने, भोली ने, और वो जो माला मतलब किसमें गिर गई, वो जो वहाँ जो आग लग रही हुई थी जो सेक्रेट फायर थी उसमें गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और खड़ी हो गई और अपना जो घूंघट फूंघट जो पहले जो औरतें जो शर्माती हैं थोड़ा सा घूंघट करके रखते हैं हटा दिया उसने। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, उसने कहा पिताजी, फादर एंड हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन अ स्लाइटेस्ट स्टैमर।
अब वहां पे जो सारे लोग थे, जैसे वो कहती है पिताजी, भैया एक ऐसी लड़की जो अपना नाम तक ना ले पाती है, उसने पिताजी एकदम बिना हकलाए वो कह दिया। सारे लोग पहले तो इसी चीज में शौक रह जाते हैं, अरे ये कैसे? पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी इससे अपने पैसे ले लो, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इसे ना करूंगी शादी, है ना, किसी के संग भी बांध देना पिताजी, यहाँ देखो यहाँ कह रही है ना गुस्से में, मैं ना जाऊंगी इनके संग। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। अब रामलाल को, अरे रामलाल सोचते हैं ये क्या, एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। द गैस बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। अब जो गेस्ट वगैरह, देखो आप जानती हो दूसरे लोगों का काम ही होता मजे लेना, वो कह रहे हैं एक तो देखो इतनी मूर्ख है, और देखो बिल्कुल भी इसने तो अपने घर की इज्जत सब मिट्टी में मिला दी, एकदम शेमलेस। बोली, आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत। अब उसके पापा कहते हैं बेटे तुम अपनी हमारे घर की मिट्टी में मिलाओगे क्या हमारी इज्जत, कुछ तो इज्जत रख ले हमारी, कुछ तो वो कर ले। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेट भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। अरे पिताजी केवल आपकी इज्जत की वजह से तो इस लंगड़े से मैंने हाँ शादी करने की हाँ भर दी थी, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेपिटेबल कावर्ड एज माई हजबेंड। पर इस जैसे गधे तो नहीं, इस जैसे कमीने को, मूर्ख और ग्रीडी लालची जैसे आदमी को मैं अपना हस्बैंड बना लूँ? ना 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 ना, आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम नाउ। अब वहीं वहाँ से किसी की आवाज़ आती है, किसी लेडी की, ओल्ड वुमन जो वहाँ पे कहती है, अरे देखो लड़की कितनी वो बननी है शानी है, हम तो ये सोचते थे ये बेचारी गूंगी गाय है, ये तो भोली है, ये तो भोली का, ये तो बस एक नंबर की है भोली। तभी उन आंटी की तरफ देखती है जो बूढ़ी औरत की तरफ, भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, यस आंटी यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रही हो, यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्रिवन काउ, तुम सबको लगता था ना कि मैं गूंगी गाय हूँ, नाउ दैट्स वाई यू वॉन्टेड मी टू हैंड ओवर दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए तो तुम चाहते थे कि मैं इस जैसे पगले के संग में बंध जाऊँ, है हार्टलेस जिसके अंदर दिल ही नहीं है, बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। अब तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा, वही जिस गूंगी गाय, गूंगी जो गाय थी, वो लड़की जो हकला हकला के बोलती थी, बोल नहीं पाती थी, इज स्पीकिंग, है तुम्हें तो अचंबा हो रहा होगा। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, और सुनाऊं क्या? बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, द कन्फ्यूज बेंचमैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। बिशंबरनाथ जो कि ग्रोसर था, पंसारी था, वो भी अपने वापस जाने लगा। अब जो बैंड वाले थे बेचारे जो तब से बजा रहे थे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है मेरे दिल, अब उन्हें भी लग गया भैया अब तो यहाँ यहाँ से बस निकल लो, अब क्या है जी अब तो कुछ नहीं है, वो उन्होंने भी अपना क्लोजिंग कर दी। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बाउड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ फंक्शन। अब जो रामलाल है बेचारे, देखो लड़की के पिता हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का दुख है, बेचारा वहीं खड़े रहे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बड़ी शर्म आई उन्हें, दुख हुआ। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन। अब वो जो आग जो जल रही थी, जो अग्नि जिसके चारों तरफ फेरे लगने थे, वो भी बुझ गई। एवरी वन वॉज गॉन, सब लोग चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ आए और कहा, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू, वॉट शेल वी डू विद यू। बेटे वो तो चलो ठीक है जो हो गया, लेकिन अब ये बता तुझसे शादी कौन करेगा, कोई भी तुझसे शादी नहीं करेगा, और हम तेरे, व्हाट शैल वी डू विद यू, क्या करेंगे हम तेरा। एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस, देखो अब सुलेखा वर्ड यूज़ हुआ है, एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी। सुलेखा ने एक बात कही जो कि बिल्कुल शांति और स्टडी में, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी चिंता मत करो, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इज एंड दैट राइट मैम। पिताजी बिल्कुल चिंता मत करो, जब आप जब बूढ़े हो जाओगे, मम्मी जब बूढ़ी हो जाएंगी, तो मैं आप लोगों की सेवा करूंगी, और जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी, इज एंट दैट राइट मैम। अब देखो यानी कि मैम कह रही है, यहाँ पे जो मैम है वो ही मैम खड़ी हुई है जिन्होंने उस बच्ची को, वो जो उनके पास एक छोटी सी बच्ची आई थी जो ठीक से बोल नहीं सकती थी, जो ठीक से जिस पर कोई ध्यान नहीं, आज उस मैडम ने उस बच्ची को इतना काबिल बना दिया कि वो अब इतना बोल पा रही है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, और वो जो टीचर थी वो बिल्कुल कोने से ही इस सारे ड्रामे को देख रही थी, वॉचिंग द ड्रामा। यस भोली ऑफकोर्स, बिल्कुल सही बात है भोली, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स वैन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टर पीस। और जो मैडम है वहाँ पर जो खड़ी हुई थी, उनके उनके मतलब पूरे दिल में, मतलब वो एक सेटिस्फैक्शन होता है जब एक आर्टिस्ट को
जब वो अपना एक मास्टरपीस तैयार करता है तो जो सेटिस्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे मैडम को कितना सेटिस्फेक्शन हुआ कि जो बच्ची कभी बोल नहीं पाती थी मैंने उसे तैयार कर दिया। तो यहाँ पे एक लेसन है हम सब के लिए, या बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। बच्चे लोगों को जब हम एक टीचर डांट देता है तो उसे लगता है कि ये टीचर मुझसे जलता है, ये मुझसे मतलब वो रखता है, बैर रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, उसका बच्चा कुछ बने, और यही टीचर के लिए असली जीत है। तो फाइनली उन्हें भी ऐसा ही मिलता है। तो बेटा ये वाला जो चैप्टर रहा ना केवल बहुत अच्छा रहा, ना केवल ये बहुत सीखने के लिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि चाहे कोई टेंथ में हो या ना हो, आप इस चैप्टर को अपने घर पे अपनी मम्मी पापा भैया सबको सबके साथ ये स्टोरी शेयर करें। अच्छी लगी हो स्टोरी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।